शरीफ खानदान से मुतालिक नैब जराए के मजीद इंकशाफात सामने आने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अफजल कयूम शरीफ नामी की भी एंट्री हो गई। अफजल कयूम शरीफ खानदान की रकम बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करता रहा। फजल दास सलमान शहबाज का फ्रंट मैन बनकर रकूम इकट्ठी करता था। नैब जराए का दावा है, इसकी तफसीलात हमें मजीद बताएंगे मोहम्मद हसन रजा। मोहम्मद हसन रजा बताइए। जी बिल्कुल, नैब जराए का ये कहना है कि अफजल कयूम बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर जो है वो रकम मुंतकिल करता रहा है और मुल्जिम अफजल कयूम सादिक प्लाजा में वाकई दफ्तर में बैठ कर ये तमाम काम जो है गैर कानूनी काम जो है वो सरंजाम देता रहा और लाहौर में वाकई अली टावर में 2005 से लेके 2018 के दरमियान मुबैना तौर पर अरबों रुपए बाहर मुंतकिल करने का भी इल्जाम है और इसी तरह जो है अफजल कयूम सलमान शहबाज से नकद रकम वसूल करता और हमजा शहबाज ने दीगर फैमिली के अकाउंट में जमा करवाने का भी इल्जाम है और नैब जरा ये भी कहते हैं कि मुजम जो फजल है दाद ये 2005 से सलमान शहबाज के साथ काम कर रहा है और उनके साथ साथ जो ठीक है। हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।